Hailing from the tiny village of Ganjad in Dhanu, brothers Tushar and Mayur Vaidya are breaking boundaries with their Wali paintings. जितनी भी रिलीजियस चीजें हैं, जितनी ट्रेडिशनल चीजें होती आ रही हैं, और उसके बाद जो भी सराउंडिंग्स है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पे इंस्पायर कर रही थी इस जर्नी में. और बचपन से वारली पेंटिंग हमेशा वॉल पे देखा था, शादी में पेंट करते हैं या फिर जो भी बेसिक डेकोरेशन होता है डोर में जब वेलकम करते हैं नए सीड्स को घर में, तो ये सभी चीजें बचपन से देखी थी लेकिन इतना फोकस नहीं था उसमें. The brothers started exploring Wali art while in school. Their father's sister, Meenakshi, taught them to draw basic shapes. Since Wali art is also about telling stories, Mayur and Tushar decided to recreate some of the lesser-known folk tales, myths and fables associated with their indigenous culture on canvas. अगर हमने डिसाइड किया था कि हमें सिर्फ ट्रेडिशनल रखना है तो बहुत सारे लिमिटेशंस आते थे उसमें, फिर कि हमें जो ट्रेडिशनल मटेरियल है उसे यूज करना है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ट्रेडिशनल शेप, कलर्स एंड ऑल सब चीजें हैं. तो और ये भी फिर दिमाग में आता था कि ये 1000 ईयर ओल्ड कल्चर है, तो ऑलरेडी 1000 पीपल आर पेंटिंग मारे, तो उनके बीच में सेम मटेरियल, सेम फिगर्स लेके सेम स्टोरीज को न्यू कैसे दिखा पाएंगे, तो ये बहुत चैलेंजिंग लगता था उस तब. और उसी समय वारली कमर्शियलाइज होना बहुत मतलब तेजी से शुरू हुआ था, तो बहुत कम लोग थे जो अपने स्टोरीज या फिर ये सब चीजें शेयर करते थे, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से स्टोरीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया. तो जैसे मैंने बताया कि बारिश के समय में बहुत सारा टाइम लोगों के पास बचता था, जब फर्स्ट स्टेज खत्म होने के बाद लोग घर पे बैठे थे, तो उस समय में हम लोग गाँव में जाते थे जितने भी रिलेटिव्स हैं, फिर उनके साथ बैठना, उनके बचपन की स्टोरीज, उनके एक्सपीरियंसेस सुनना, तो इन सब चीजों में जो भी थोड़े बहुत हमें टॉपिक्स मिलते थे तो उन स्टोरीज को हम लोग खुद बिल्ड करना शुरू किया. फिर और ये भी एक चीज है कि बहुत बार अगर तारपाड़ा सब लोगों ने देखा होगा तो वो सर्कुलर शेप में होता है पेंटिंग, तो जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर शेप में होना चाहिए. जब सबसे पहले तारपाड़ा उसको पेंट किया तो आई थिंक आर्टिस्ट ने उसे थोड़ा बर्ड व्यू में देखा, फिर उसने उस तरह से उसको इमेजिन किया और उस तरह से पेंट किया. तो जरूरी नहीं कि जो स्टोरी है उसको उसी फॉर्म में पेंट करना चाहिए, बट जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं उसे एज अ अल्फाबेट समझ के उन अल्फाबेट्स को कैसे यूज करके उस स्टोरी को नया ग्रामर हम लोग दे सकते हैं और अपनी तरीके से बना सकते हैं. तो इस तरह से हम लोगों ने अपना स्टोरी टेलिंग का जो कंसेप्ट है वो बिल्ड किया. Most often, the brothers work together on the same canvas. तो कॉलेज में थे तब जब वर्कशॉप वगैरह देते थे तो छोटे छोटे कैनवास पेंट करते थे, तो तब इस साइज का कैनवास भी बहुत बड़ा लगता था जो पेंट वाली. लेकिन धीरे धीरे जैसे और एक्सप्लोर करते गए, फिर अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑफर्स जैसे मैंने लगे फॉर एग्जीबिशन, तो फिर बड़े कैनवास पे काम करना शुरू किया, तो समय और लिमिटेशन जो डेडलाइंस वगैरह होते थे उसकी वजह से हम लोग फिर एक कैनवास पे दोनों काम करना शुरू किया. कहीं ना कहीं पे हमारा बचपन का रिलेशन, कनेक्शन और जो एक्सपीरियंस है वो सेम होने के कारण जो वारली पेंटिंग्स के फिगर्स वगैरह है वो हम लोग एक्चुअली डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन क्या पेंट करेगा पहले. तो बहुत बार ऐसे होता था कि तुषार अलग साइड से स्टार्ट कर रहा है, मैं अलग साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मतलब आफ्टर लंच हम लोग पोजिशन चेंज कर रहे हैं, मैं वहां पे पेंट कर रहा हूँ, यहाँ से पेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो हमारा रिदम बना हुआ था कि कौन कहाँ पे क्या पेंट कर रहा है. Mayur and Tushar have been pursuing Wali art since the last 10 years and have participated in exhibitions in India and across the world, including Japan, France and Hong Kong. शुरुआत में कुछ हमें 2014 के समय में हमें कुछ ऐसे mural project मिलते थे जहाँ पे बहुत सारे international artists हुआ करते थे, उनके साथ participate करके और अलग अलग schools होते थे या फिर village होते थे जहाँ पे जाके हमें paint करने का मौका मिला. तो ऐसे ही 2016 में आई थिंक हम लोग फुकुशिमा के नजदीक एक आवाश इनोशिरो करके प्लेस है, फुकुशिमा प्रिफेक्चर. सो जैसे हम लोग अभी हमारा इंडियन कल्चर बहुत रिच है वैसे बाहर भी रिच है, लेकिन जहाँ पे हम लोग गए थे इनोशिरो में वहाँ पे जो अभी यंग जनरेशन है
सो अभी वो धीरे धीरे कम्प्लीटली उस कल्चर को भूलते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट फुकुशिमा एक्सीडेंट. सो हम लोग उसी एरिया में गए थे. सो द प्रोजेक्ट वॉज टू एक्सप्लोर द स्टोरीज ऑफ द फुकुशिमा एरिया एंड द इनोशिरो एरिया और उसको वारली में कैसे हम लोग दिखा पाएंगे. तो सिचुएशन ऐसा था कि वहां पे स्कूल है लेकिन बिकॉज ऑफ दैट रेडिएशन का जो फियर है वहां पे अभी तक वो अभी कम हो गया है. मतलब वहां पे लोग वापस आ रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों के में जो फियर है बच्चों को वापस नहीं ला रहे हैं. इसलिए वहां पे बहुत बड़े स्कूल्स हैं लेकिन उस स्कूल्स में स्टूडेंट्स बहुत कम हैं. तो फुकुशिमा का जो प्रोजेक्ट था अभी वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग वहां के स्टोरीज एक्सप्लोर करके फिर वारली में हम लोग उनको दिखाएंगे. Participating in artist residencies in Japan gave them a window into other cultures and an opportunity to explore how they could evolve their art and use it to tell stories of their communities beyond their own. 2012 से लेके 14 तक जितने भी हम लोगों ने म्यूरल प्रोजेक्ट्स किए मतलब आउट ऑफ गंजर तो हम लोग वहां पे जाके वहां की फोक स्टोरीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं वहां का एनवायरमेंट. फिर जैसे हम लोग वारली के जितने भी पेड़ हैं जितने भी प्लांट्स हैं जितने भी क्रिएचर्स हैं वो वारली में तो दिखते हैं लेकिन अगर आप कहीं और जाते तो वहां पे बहुत सारे नए बर्ड्स नए ट्रीज और नए फॉर्म्स देखने मिलते हैं. तो उन चीजों को हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि वहां का एनवायरमेंट हम लोग वारली में कैसे दिखा सके. सो इट्स नॉट ओनली फॉर शोइंग देयर एनवायरमेंट बट ऑल्सो फॉर अवर स्टडीज कि हम लोग नए फॉर्म्स कैसे अपने आर्ट फॉर्म में ला सकेंगे. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.